आपका एग्रीकल्चर डेटा सेंसस यूपी का सेंसस फॉरेस्ट रिपोर्ट इंडिया की फॉरेस्ट रिपोर्ट यूपी की आपका सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिक्स डेटा मिनरल डेटा और कुछ क्रॉप से रिलेटेड ये हमारा मिक्स टेस्ट है मिसलेनियस से रिलेटेड तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना है और मेरा ये सजेशन है कि आप लोगों को एक ए फोर शीट बना लेनी चाहिए जिसमें आप ये थोड़ा मिसलेनियस वाला डेटा लिख सकते हैं हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है एससी सी पॉपुलेशन कहां ज्यादा है एसटी टी कहां ज्यादा है कौन से टॉप प्रोड्यूसर्स हैं कॉटन के वीट के ये सब चीजें तो टॉप थ्री एक एक लाइन का नोट बना लीजिए आप बाकी इसमें जो क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किए हैं वो इस हिसाब से किए हैं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए उस पर्टिकुलर सेक्शन की तो और घबराने की कोई बात नहीं है आराम से प्रिपेयर कीजिए पैनिक नहीं हुई है मैं लगातार ये चीज बोल रही हूं लगातार आपके पास वीडियोस जा रहे हैं लिस्टिंग वीडियो देखिए टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए रिलैक्स कीजिए थोड़ा बहुत मेडिटेशन कीजिए और अपना खुश रह के तैयारी कीजिए डेढ़ महीना है आपके पास लगभग आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं जिसमें आपको बस अपना फोकस नहीं हिलाना है कि जो आपको पढ़ना है मतलब आपको अच्छे से पढ़ना है और टेस्ट में जो ये सौ क्वेश्चन में तैयार कराती हूँ मैं इस हिसाब से तैयार कराती हूँ कि आप लोगों का टेस्ट में ही लर्न हो जाए तो कोशिश ये कीजिए कि ये जो सौ क्वेश्चन आप टेस्ट में हर टेस्ट में करते जा रहे हैं सबसेक्वेंटली इनमें से आपकी गलती बिल्कुल ना हो बाकी एकदम हंसते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे टेस्ट नंबर नाइनटीन की तो हमारा सेक्शनल टेस्ट नाइनटीन है ये मिसलेनियस का होगा टेस्ट ये और स्टार्ट करेंगे हम अपना चलिए पहला क्वेश्चन देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें उनके प्रतिशत मान के आधार पे असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस 2011 इसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट वाले जो डेटा है ना सेंसस वगैरह से रिलेटेड ये आपके इसमें कवर हो जाएंगे चलिए तो भारत की कुल साक्षरता दर ग्रामीण और शहरी मतलब इन सबको आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है ठीक है मतलब क्रोनोलॉजिकली इन द सेंस असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो आपको पहले तो पता होनी चाहिए तभी आप अरेंज कर पाएंगे तो इसका आंसर है डी वैसे आप, आ, सेकेंड वन और थ्री अब कैसे देखो मैं आपको बता देती हूं टोटल जो है लिटरेसी वो सेवेंटी थ्री परसेंट है अब आप जानते हैं कि आपका ये तो इंपॉर्टेंट है ही सेंसस रूरल कितनी है सिक्सटी सेवन पॉइंट एट और आपका एटी फोर पॉइंट वन ये है तो हो गया चलिए जनगणना का ही क्वेश्चन है सेंसिस का भारत की जनसंख्या में वर्ष 2001 से 2011 की अवधि के दौरान 18.1 एक आठ करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई है और वार्षिक वृद्धि दर कितना है 16.4 प्रतिशत एनुअल ग्रोथ रेट और वर्ष 1901 को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष द ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कहा जाता है बताइए मुझे आप कौन सा इसमें से सही है क्या हो जाएगा इसका आंसर केवल एक और दो आपको पता होगा दिस इज़ नॉट कॉल्ड ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कौन सा है ग्रेट डिवाइडिंग ईयर 1921 है ग्रेट डिवाइडिंग ईयर तो ये याद रखना थर्ड बाकी देख लो दोनों ठीक हैं दोनों एक से ग्यारह अठारह 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 पॉइंट अठारह ऐसे याद कर लो मतलब और एनुअल ग्रोथ रेट 16.4 परसेंट है अब निम्नलिखित कथनों पर विचार करें करेंडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर्ष 2011 की जनगणना में को पंद्रह जनगणना के रूप में जाना जाता है जो सेंसस सेंसस का दैट इज द राज्यों क्षेत्रों के संदर्भ में मेघालय में सबसे अधिक दशक की जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है हाईएस्ट डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज बीन रिकॉर्डेड इन मेघालय और राज्यों संघ्रज्यों के क्षेत्रों के संदर्भ में नागालैंड में सबसे कम दशक की जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई द लोएस्ट डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बताएंगे आप मुझे क्या हो जाएगा इसका बी फर्स्ट और थर्ड ठीक है देखिए सेकंड क्यों गलत हुआ आपका पहली चीज तो देख लीजिए आप कि 2011 फिर ग्यारह फिफ्टींथ हाइएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट पचपन पॉइंट नौ प्रतिशत की है और वो मेघालय में नहीं है दैट इज इन दादरायन नगर हवेली दादरायन नगर हवेली ये ठीक है बिल्कुल मतलब तो ये गलत है ये और ये ठीक है

केंद्र स्तर पर इस विभाग का शीर्ष अधिकारी महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कहलाता है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर टॉप ऑफिसर बताएंगे गलत कौन सा है तो ध्यान रखना यूनियन लिस्ट में है पक्का से याद रखना और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंसिस कराने की सेंट्रल गवर्नमेंट की है अंडर आर्टिकल वॉट अंडर आर्टिकल 246 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का अनुच्छेद 246 एक्ट 1948 और इंपॉर्टेंस को देखते हुए सेंट्रल uh, गवर्नमेंट ने सेंसिस डिपार्टमेंट कॉन्स्टिट्यूट किया 1961 में नॉट 1951 1961 में और मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री देख लीजिए प्लीज ऑफ होम अफेयर्स और ये भी ठीक है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसिस कमिश्नर याद रखिएगा फिफ्थ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला शीर्ष जिला अरुणाचल प्रदेश का कुरुंगे है दुरुंग कुमे टॉप डिस्ट्रिक्ट सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला दूसरा शीर्ष जिला पुडुचेरी का यनम है बताइए सेकंड टॉप डिस्ट्रिक्ट आंसर बताइए मुझे कौन सा सही है तो ये दोनों ठीक है बातें छटे हुए हैं सारे जो बैठ के आप नोट्स बनाएंगे वो यहीं से बना लीजिए आप कुरुंग में एक सोचिए यहां पे ग्रोथ रेट है और सेवेंटी सेवन पॉइंट आई गेस वन फाइव है सेवेंटी सेवन लगभग याद रख लो इसका यम का ग्रोथ रेट है सिक्स निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन सी बी आर क्रूड बर्थ रेट असो शोधित जन्म दर और आपका सी एच सी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और सीपीएचसी पूरक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमरी हेल्थ केयर आईपीएचएस भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स बताइए कौन सा गलत है ये सी गलत है ये आपका व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल है कॉम्प्रेहेंसिव नॉट कॉम्प्लीमेंट्री व्यापक हो जाएगा इसका और ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा कुछ फायदा नहीं हुआ लिखने का चलिए

2025 तक 70 करना है लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ को इंक्रीज करना है वर्ष 2025 तक राष्ट्रीय उपराष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर को घटाकर एक तक लाना है टोटल फर्टिलिटी रेट को वन लाना है नेशनल नेशनल लेवल में बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सवाल आना होगा तो इसी में से आ जाएगा सही है सारे ये याद रख लो टोटल फर्टिलिटी रेट को एक लाने का है टारगेट ठीक है नेशनल ईयर याद रखो प्लीज दो हजार पच्चीस पच्चीस है और ये चीज बिल्कुल याद रखना मतलब 100 परसेंट ये क्वेश्चन याद होना चाहिए आपको दिस इज इम्पोर्टेंट माई डियर फ्रेंड्स एथ फिर से नेशनल हेल्थ पॉलिसी गलत बताना है आपको 2025 तक पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु दर को कम करके तेईस करना है मोर्टेलिटी रेट जो है अंडर की 23 एज तक मतलब इयर्स ऑफ एज टू 23 करना है ट्वेंटी ट्वेंटी मात्र मृत्यु दर के स्तर को वर्ष 2025 हजार पच्चीस तक घटा कर सौ करना है लेवल ऑफ मटर्नल मोर्टेलिटी रेट टू हंड्रेड बाय दर ट्वेंटी ट्वेंटी नवजात मृत्यु दर को घटाकर सोलह करना है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को मृत्यु मृत जन्म लेने वाले बच्चों की दर को वर्ष 2025 तक घटाकर एक अंक में child, uh, तो लाना है रेट ऑफ चाइल्ड चिल्ड्रन बॉर्न डेड तो उसको सिंगल डिजिट लाना है बाय 2025 तक गलत बताओ कौन से बी गलत है करते टिक होता गलत है देखो बता देती हूँ मैं आपका सबसे पहले तो मोर्टेलिटी रेट देख लो पांच साल के बच्चों की एज को ट्वेंटी करना है ट्वेंटी तक मटर्निटी मटर्नल मोर्टैलिटी रेट को एक्चुअली सौ करना है बाय द ईयर 2020 2025 राज्यों को एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करें असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ द सिटीज विद पॉपुलेशन मोर देन वन लाख वेस्ट बेंगाल मध्यप्रदेश और आपका बिहार देख लो आपको इनका पता जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन पूछ रहा है ये तो देख लीजिए आप देखिए सिटी सबसे जिसकी एक लाख से ज्यादा है वो ऑल ओवर इंडिया 497 है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का डाटा देखें तो उत्तर प्रदेश में आपका सबसे ज्यादा है 64 फिर आपका वेस्ट बंगाल में है 61 मध्य प्रदेश में है आपके 32 और आपका बिहार में है 26 तो ये टॉप फोर याद रखना ये 64 आपका उत्तर प्रदेश का है ठीक है चलो कितनी सिटीज हैं जिनकी पॉपुलेशन एक लाख से ज्यादा है देख लिया हमने टेंथ 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व के सबसे कम शहरीकृत क्षेत्र का चयन करें लीस्ट अर्बनाइज एरिया यह आपका मॉन्स्ट्रेट स्पेन में न्यू गिनी और लिस्टेटी आंसर बताओ अच्छा सवाल है आ सकता है मॉन्स्रैट इन स्पेन देखो लीस्ट अर्बनाइज एरिया है ना एक्चुअली दे आर वॉल्स एंड ठीक है पे टोकेलाइलैंड ये दे uh, आर uh, ये आपके आईलैंड हैं बेसिकली और फिर है आपका मॉन्स्ट्रैट इन स्पेन नाइन पॉइंट वन परसेंट इनमें से तो टॉप पे टोकेलाओ है ठीक है टोकेलाओ वॉलिस और फ्यूचुना द्व्यूप टोकेलाओ ऐसे करके स्पेलिंग एक बार लिख देती हूँ जिससे हल्का सा ध्यान रहे टॉप पे ये है बाकी ये लगे हुए हैं आपके सारे क्रम से ही लगे हुए हैं ये तो याद रखना ग्यारह निम्नलिखित में से कौन सा देश दो हजार ग्यारह की जनगणना के अनुसार पूरी तरह नगरीकृत देश नहीं है मतलब इट्स नॉट कंप्लीटली ऑर्गेनाइज कंट्री मकाओ कुल या फिर इनमें से कोई नहीं सही आंसर इसराइल देखिए क्या है एशिया के शीर्ष तीन नगरीकृत देश हैं आपके सिंगापुर हांगकॉन्ग मकाओ और कुवैत हंड्रेड परसेंट है इनमें कतर में 99.1% परसेंट है मतलब कतर भी नहीं है अगर कतर होता तो कतर या इजराइल में से एक ही होता और इजराइल में 92.6% परसेंट है तो सिंगापुर हांगकांग मकाऊ कुवैत ये तो 100% परसेंट अर्बनाइज है ये टॉप थ्री भी हैं आपके और कतर और इजराइल जो है दे आर नॉट कितना परसेंट है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट छोड़ दो 2011 की जनगणना के संबंध में निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की वार्षिक नगरीय वृद्धि दर सबसे कम है एनुअल अर्बन ग्रोथ रेट जो है वो इन रिलेशन टू देंसेस ऑफ 2011 थाउजेंड इलेवन किसकी लोएस्ट है यूरोप लैटिन अमेरिका और कैरेबियन उत्तरी अमेरिका और ओशियाना बताओ आंसर होता ए यूरोप हो गया इसका आंसर ठीक है वार्षिक नगरीय वृद्धि दर कह रहा है ये देखो एशिया की 2.16 परसेंट है

तो आंसर इसका बी है वन टू और थ्री मैं आपको परसेंटेज बता देती हूँ टोटल फॉरेस्ट कवर याद है आपको सेवन वन थ्री सेवन एट नाइन ये फिगर याद कर लो सेवन वन थ्री सेवन एट नाइन स्क्वयर किलोमीटर टोटल का लिख देती हूँ एक बार वैसे पुराने टेस्ट में भी करा चुकी हूं मैं ये टोटल याद रखना जरूरी है सेवन वन थ्री और सेवन एट नाइन इसको ऐसे नंबर की तरह याद कर लो स्क्वायर किलोमीटर अब ये छत्तीसगढ़ वाला देख लो एक बार छत्तीस आपका सबसे ज्यादा तो देखो एमपी में है सबसे ज्यादा ठीक है सेवन सेवन फोर नाइन थ्री है फिर अरुणाचल है फिर छत्तीसगढ़ है फिर उड़ीसा है फिर महाराष्ट्र है ठीक है तो इन, इनके ऊपर मैं ये तीन तो लिखे ही है ठीक क्रम में इनके ऊपर आपका एमपी है और एमपी फिर अरुणाचल प्रदेश है और फिर ये तीनों है तो ये पांच याद हो गए आपको फोर्टीन निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में वन सीसी रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम मैनग्रोव आवरण है ये पूछ रहा है लोएस्ट पर आई एस एफ आर ट्वेंटी ट्वेंटी वन गुजरात अंडमान निकोबार आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र थोड़ा लॉजिक से भी कर लेना इस क्वेश्चन को डी महाराष्ट्र में सबसे कम है इनमें से ठीक है ना तो टोटल मैंग्रोव कितना है फोर नाइन नाइन टू अब ये टॉप फाइव वाले ही हैं लेकिन इसमें टॉप पे देखो वेस्ट बंगाल है और ये मतलब अरेंज्ड है ये बस वेस्ट बंगाल लिख लो टॉप पे और फिर गुजरात है तुम्हारा और फिर अंडमान है फिर आंध्रा है फिर महाराष्ट्र है ठीक है ये ऐसे पांच के पांच याद हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन डिजाइन करें हमने ये वेस्ट बंगाल फिर ये लगे हुए हैं अरेन्ज है, है. पंद्रह निम्नलिखित में से किस राज्य में मैनग्रुव आवरण की दृष्टि से तीनों प्रकार के वनों में अति सघन वन मध्यम सघन और खुले वन का आच्छादन सबसे कम है मतलब द, कौन सा स्टेट है जिसमें लोएस्ट कवर है सारे तीन तरह के फॉरेस्ट का वेरी डेंस मीडियम डेंस ओपन इन टर्म्स ऑफ मैनग्रुव कवर पर ये पूछ रहा है ये बताओ कौन सा है? फिफ्टींथ का आंसर इसमें सी हो जाएगा कर्नाटका में है सबसे कम अब मैं आपको बताऊं अगर 2000 हजार uh, क्षेत्रफल का मूल्यांकन करें तो आंध्र प्रदेश है टॉप पे फिर गोवा फिर गुजरात फिर कर्नाटक ठीक है गोवा गुजरात फिर आपका कर्नाटक केरल महाराष्ट्र ऐसे तो ये एक बार आपको रिपोर्ट देखनी पड़ेगी फिलहाल हम जो फैक्ट्स वाले करा रहे हैं जिसमें लोएस्ट है देख लीजिए आप तीनों तरह के तो वो कर्नाटक हो गया ऐसे सोलह

तो इसका आंसर हो जाएगा डी देखो मैं आपको बता देती हूं टॉप थ्री फॉरेस्ट जो इंडिया में पाए जाते हैं टॉप तीन टॉप तीन याद रखना सबसे पहले ट्रॉपिकल ड्राई ड्रेसिडुअस पाए जाते हैं टॉप पे नंबर वन उसके बाद पाए जाते हैं ट्रॉपिकल मॉइस्ट ड्रेसिडस नंबर टू फिर आपके पाए जाते हैं ट्रॉपिकल सेमी एवरगोडीन तो वन टू तो थ्री होना चाहिए ना इसका अरेंजमेंट तो ये आपका ये ऐसे की ऐसी याद रखो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सेवनटीन निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें सेलेक्ट दी इनकरेक्ट ऑप्शन भारत में कुल 140 पहाड़ी जिले हैं हिली डिस्ट्रिक्ट 218 सौ अठारह जनजातीय ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट और पहाड़ी जिलों में वनावरण दो सौ दो वर्ग किलोमीटर की कमी आई है डिक्रीज हुआ है 902 का हिली एरियाज में और भारत में स्थित आदिवासी जिलों के वनावरण में पचपन वर्ग किलोमीटर की कमी आई है देर हेज बिन डिक्रीज ऑफ फिफ्टी स्क्वायर किलोमीटर इन दी फॉरेस्ट कवर ऑफ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट बताओ इनकरेक्ट पूछ रहे हैं तो ये सारे ठीक है बिल्कुल कोई इनमें से इनकरेक्ट नहीं है 140 याद रखना सबसे ज्यादा कहां पे हैं? जम्मू कश्मीर में 22 हैं। पहाड़ी जिले ठीक है फिर तुम्हारा नंबर ऑफ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट 218 सौ है और सबसे ज्यादा कहां पे हैं? एमपी में हैं। ये सबसे ज्यादा जेएनके में हैं। फिर आपका डिक्रीज हुआ है 902 स्क्वायर किलोमीटर का और 55 स्क्वायर किलोमीटर का इसमें हुआ है आपका फॉरेस्ट कवर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट याद रख लेना इसको 18 वर्तमान आकलन के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक कार्बन स्टॉक है हाइएस्ट कार्बन स्टॉक पूछ रहा है किस में जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर फिर हिमाचल फिर सिक्किम फिर अंडमान ये अरेंज है टॉप वाले याद रख लो कितना है तो छोड़ दो तो इसको बहुत डीप हो जाएगी ये चीजें नाइनटीन उत्तर प्रदेश की एक जनपद एक उत्पाद योजना के संबंध में सही विकल्प का चयन करें तो आपको पता है तो याद होनी चाहिए आपको अमेठी बदायूं किसका क्या है पता होना चाहिए आपको बताइए मुझे कौन सा सही है नाइनटीन का बी ठीक है सेकेंड थर्ड और फोर्थ देख लो अमेठी किसके लिए फेमस है ये मूंज उत्पाद क्या होता है मूंज प्रोडक्ट्स आगरा लेदर प्रोडक्ट्स नगर आपका टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट जरी जरदोजी देखो बदाऊं बरेली कासगंज ये तीनों याद कर लो इकट्ठा बढ़िया क्वेश्चन है ये और ये आपका अमेठी एक एम ज्यादा हो गया एक ओ ज्यादा हो गया सॉरी ठीक है चलो निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें सेलेक्ट दिन करेक्ट ऑप्शन सेम वन वन प्रोडक्ट बताना पड़ेगा आपको तो सारे आदोने चाहिए कहने का ही मतलब है गलत पहला है पहले तो याद कर लो देखो सारे फूड प्रोसेसिंग वाले हैं कितना बढ़िया क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग ओ माय गॉड है <laughs> बलरामपुर कौशाम्बी प्रतापगढ़ ये तीनों फूड प्रोसेसिंग पल्सेस फूड प्रोसेसिंग बनाना और फूड प्रोसेसिंग गूजबेरी आंवला ठीक है जी और आपका गोंडा दिस इज आल्सो फूड प्रोसेसिंग गोंडा इज आल्सो फूड प्रोसेसिंग पर किसका पल्सेस जो बलरामपुर है ना सेम पल्सेस तो ये दोनों सेम हो जाएंगे और आपका मिल्क प्रोसेसिंग बताइए मुझे देसी घी के लिए कौन है और, तो प्यारा नाम है ना, और चलिये। चलिये, 21 देख लीजिए निम्नलिखित में से किन सब्जियों के तने को खाने योग्य भाग के रूप में उपयोग किया जाता है मतलब कि इनमें से किसका स्टेम आप खाते हैं एडिबल पार्ट इनमें से किसका स्टेम है शलजम टर्निप आलू पटेटो गांठ गोभी और फुट बताइए तो ट्वेंटी वन का आपका बी हो जाएगा आंसर सेकेंड थर्ड और फोर्थ देखिए टर्निप जो होता है ना इसका आप रूट खाते हो कैरेट रेडिश बीटरूट टर्निप बाजर मूली चुकंदर वगैरह जो होते हैं इनके हम रूट खाते हैं जड़ होती है ना ये जो हम खाते हैं और इनका हम स्टेम खाते हैं तना बाईस जीवन चक्र के आधार पर निम्नलिखित में से एक वर्षीय फसलों का चयन करें सेलेक्ट एनुअल क्रॉप फ्रॉम द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल भिंडी लोभिया मूली पत्ता गोभी इसका आंसर हो जाएगा ए पहला और दूसरा अब मेरी बात सुनेगा एक वर्षीय जो होता है मतलब वन साइकिल वन ईयर मतलब बाइनियल क्रॉप कह लो आप बाइनियल क्रॉप कौन सी होती है कॉलीफ्लावर अनियन एक वर्षीय जो होती है आपकी नहीं जो आपकी एनुअल क्रॉप होती है नॉट जो आपकी होती है, वो होती है आपकी ओकरा टमेटो काउपी भिंडी टमाटर ये सब और दिव्य मतलब बाइनियल क्रॉप जो होती है आपकी वो होती है मूली गाजर पत्ता गोभी ठीक है मूली गाजर पत्ता गोभी तो ये आपकी बाइनियल है एंड दीज आर एनुअल चलिए ट्वेंटी थ्री निम्नलिखित में से कौन सी फसल बहुवर्षीय फसल नहीं है पेरिनियल क्रॉप नहीं है परवल पॉइंटेड गार्ड लहसुन प्याज शकरकंद बताइए मुझे आप इसका आंसर आपका हो जाएगा सी प्याज नहीं है देखिए क्लासिफिकेशन है लाइफ साइकिल के बेसिस पे बाइनियल क्रॉप कौन सी है कॉलीफ्लावर अनियन अभी ऊपर देख के आए हो आप ठीक है और पेरिनियल कौन सी है पॉइंटेड गार्ड गार्लिक टर्मरिक इसमें हल्दी आ जाएगी शकरकंद आ जाएगा तो प्याज नहीं है आपकी प्याज आपकी बाइनियल है ठीक है 24 निम्नलिखित में से चारा फसल फॉर्डर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं ढेंचा बरसीम ल्यूसर्न और नैपियर ग्रास इसमें से आपकी चारा वाली बतानी है आपको कौन कौन सी हैं तो आपकी ये सब है हाँ ज्वार भी है बी पहला नहीं है देखो मैं बताती हूँ आपको ढेंचा जो है वही फाइबर क्रॉप है रेशेदार फसल है जैसे जूट कपास सनई होती है ना आपका पटसन ढहचा ये सब आपकी आ, कौन सी रिश्तेदार है और चारा वाली कौन सी है आपकी बरसीम लूसन रिस्क भी कहते हैं उसको नेपियर ग्रास लोबिया ज्वार इन सब में ये सब आ जाएंगे ठीक है निम्नलिखित में से कौन सी फसल रक्षक फसल नहीं है नॉट अ सॉइल कवर क्रॉप लाही मूंग उड़द और बरसीम ट्वेंटी तो। फिफ्थ का क्या हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा देखो मेरी बात अंतर्वर्ती फसलें होती हैं कुछ उड़द आलू लाही चीना सांवा ये सब मूंग और रक्षक होती है मूंगफली मूंग उड़द शकरकंद लुजन रिस्का बोलते हैं जिसको और बरसीम तो ये याद रखना ये बाकी की आपकी है जो आपकी सॉइल कवर क्रॉप है ट्वेंटी सिक्स निम्नलिखित में से रबी रबी क्रॉप आपको जायद रबी ये सब पता है पूरा याद कर लो टेबल बना लो और उससे याद कर लो ये हर टेस्ट में क्वेश्चन आता है हर बार आप लोग बोलोगे समझाने के लिए एक बार इसको निपटा लो बस और फिर पढ़ते रहो अपना मजे से फिर स, ये होते हैं सही आसान सवाल जो बच्चे गलत करके आते हैं पेपर में तो ट्वेंटी सिक्स में कपास बाले जौ सरसों मस्टर्ड मटर पी बताइए रबी बताइए इसमें से कौन सी है बी देखो कपास कौन सी है भाई कॉटन इज अ खरीफ क्रॉप खरीफ के एग्जांपल्स बताइए मुझे आप पैडी मिलेट मेज कॉटन ग्राउंडनट स्वीट पटेटो रबी के व्हीट बाले ग्राम मस्टर्ड पी बरसीम ठीक है तो ये वाली जो चीज है ये आपको याद होनी चाहिए ठीक है मैं आपको बता देती हूँ चलिए एक बार यहाँ पे अब टाइम लगेगा तो लगेगा सुन लीजिए आप डिफरेंस क्या है रबी में खरीफ में और जायद में ठीक है अब सुन लो रबी ऐसे एस याद रखना रबी क्रॉप विंटर क्रॉप है ठीक है सर्दियों वाली फसलें हैं ये विंटर फिर आपकी कौन सी है खरीफ खरीफ है आपकी मॉनसून और फिर आपकी जायद ये है आपकी समर जेड एस ठीक है अब सुन लो मेरी बात रबी जो है जब ये विंटर क्रॉप है तो इसको कब आप मतलब आपको इस, आप इसको क्रॉप कब करोगे आप इसको बोगे विंटर्स में काटोगे इसको मार्च अप्रैल के टाइम पे किसको रबी को एग्जाम्पल्स हैं इसके चना पी आमंड ये सब क्रॉपिंग सीजन किसका खरीफ का क्या है खरीफ अभी मानसून देखिए आपने तो जो ये इनके नाम है ना ये इनके बोने के पीरियड से व्हेन एट अ टाइम व्हेन दे आर सोन ठीक है ये आपके मानसून के टाइम पे और ये मानसून के एंड पे इसको हार्वेस्ट करोगे शुगर केन कॉटन ग्राउंड नट जायद ये आपकी इन दोनों के बीच में बोई जाएगी जायद क्रॉप और ये जो क्रॉप है ये दो बार साल में बोई जा सकती है क्यूकंबर वॉटरमेलन ये सब ठीक है तो यहां पे मैंने ऐसे शॉर्ट में बता दिया है अब डिटेल में अपने आप देख लेना वैसे तो इतना ही है डिटेल क्या देखोगे है ही इतना क्यों भाई 27 निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद फसल नहीं है जायद कौन सी नहीं है टबेको कद्दू लौकी खीरा बताओ कौन सी नहीं है जायद ए तंबाकू नहीं है ये सब है देख लो मेरी बात जायद हैं आपकी मिर्ची टमाटर सूरजमुखी कद्दू खरबूजा तरबूज लौकी खीरा वीरा ये सब रबी कौन सी है आपकी ये टबेको रबी क्रॉप है रिस्का मसूर आलू टबैको ओट्स आजकल बड़ा चल रहा है ना ओट्स का दलिया खाती है दुनिया ओट्स भी खाती है ओट्स भी आपकी रबी है पूछेगा ओट्स कौन सी है तो रबी है देखो आजकल तो वैसे आप लोग कहोगे कि सब्जी वाले से आप सब्जी लोगे तो अराउंड द ईयर सब कुछ अवेलेबल है मतलब मटर आपको फ्रोजन मिल जानी है वहां पे लेकिन गलत है ये ऐसे बिना सीजन के सब्जी नहीं खानी चाहिए 20th ओके तो मैम ज्ञान दे रही हैं है। तिलहनी फसल और दलहनी फसल दोनों श्रेणी के अंतर्गत आने वाली फसलें कौन सी हैं जो ऑयल सीड भी हैं और पल्सेस भी हैं सोयाबीन मूंगफली अरंडी कैस्टर ऑयल होता है ना अलसी लिनसीड बताओ मुझे इसमें से कौन सी हैं तो पहली और दूसरी है देखो सीड क्या होते हैं ऑयल सीड कौन सी फसलें हैं जिसमें से ऑयल निकाला जाता है मस्टर्ड कैस्टर सेसिमी ग्राउंडनट सनफ्लावर लिनसीड सोयाबीन राई इसमें अलसी को ना सीड भी कहा जाता है ठीक है तो सीड हो तो भी अलसी ही है तेल निकलता है ना ग्राउंडनट का तेल निकलता है, निकलता है इसका निकलता है इसका निकलता है याद रखना पर दोनों की कैटेगरी में जो दोनों की कैटेगरी में आए पल्सिस क्रॉप कौन सी है वो है ग्राम उड़द मूंग पी मसूर अरहर ग्राउंडनट और सोयाबीन देखो सोयाबीन और ग्राउंडनट को आप एज दाल भी यूज करते हो ना समझ रहे हो मेरी बात तो ये एस ये पल्सेस वाली भी हैं और सीड वाली भी हैं लेकिन कैस्टर और लिंसीड फ्लैक्सीड कभी पल्सेस वाली नहीं हो सकती इतना समझना बस निम्नलिखित में में से से किस फसल खरपतवार नियंत्रण के लिए मुख्य रूप सेमाजीन और एलाक्लोर जैसे शाकनाशियों की सिफारिश की जाती है मतलब वीड कंट्रोल के लिए कौन से हर्बिसाइड्स एल्ट्राजन सिमेजाइन एलक्लोर एक तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है ये तीन नाम लिख के पूछेगा ये क्या है तो ये तो याद रखना ये हर्बिसाइड है शाकनाशी है और अब क्या है बता दो मुझे चना मटर मसूर मक्का डी मेज में यूज होता है ठीक है मेज में एट्रेजाइन और सेमाजाइन एल्क्लोर यूज होता है और सुनो चिकपीज पी लेंटिल्स इन सब में होता है पेंडी मिथालिन एलक्लोलोर और लीनोरुन ये सारे सारे भी नाम याद रखना मैं फिर से रिपीट कर रही हूं पेंडी पेंडीमिथैलिन एलक्लोर ये है इसमें भी दोनों में है ये और लिनोरुन तो वैसे इनके नाम ही पूछेगा वो याद रखना थर्टी निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें सिलेक्ट दिन करेक्ट ऑप्शन ये फसलें और उनसे अनुशंसित आपके शाकनाशी हर्बिसाइड रेकमेंडेड गेहूं में आपका आइसोप्रोटीनॉल धान में ब्यूटोक्लोर कपास में आपका थियोबनकाब और या फिर नन ऑफ दीज आंसर बताओ मुझे इसका इसका आंसर है सी गलत इसमें से सी है देखो ये दोनों ब्यूटाक्लोर और आपका थायोबेन कार्ब ये आपका पैडी के लिए यूज होता है दोनों प्लस कर लो इसमें अब कॉटन के लिए जो यूज होता है वो मैं लिखे दे रही हूं यहाँ पे डायरोन ठीक है डायरोन ऐसे बोल लो ये कॉटन के लिए यूज होता है इनके नाम याद रख लो इनके ये तो प्लस हो गए दोनों पैडी के लिए हैं दोनों मिला के और इसका अलग है थर्टी वन निम्नलिखित में से सही विकल्प का करें करेंट दी करेक्ट ऑप्शन आप में आप लोगों को कल्चर, ग्रेप्स, पिसी कल्चर, सिल्क सही बताओ जल्दी थर्टी वन का कौन सा सही हो जाएगा बी सही हो जाएगा फर्स्ट और फोर्थ स्पाइसी कल्चर क्या होता है भाई ये फिश फार्मिंग है और सेरीकल्चर है आपका सिल्क वॉर्म वाली फार्मिंग ये तो बच्चा भी सही कर देगा यार छोड़ो ठीक है गलत कर रहे हो ना तो बस 32 निम्नलिखित तो में से सही विकल्प का चयन करें सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अब देखो क्रांतियां दी हुई कुछ गुलाबी पिंक रेवोल्यूशन झींगा मछली प्रॉन फिश लाल क्रांति मीट प्रोडक्शन सिल्वर टमाटर से टमाटर से गोल राउंड रेवोल्यूशन पोटैटो से पीली येलो ऑयल सीड से बताओ मुझे सही कौन सा है इसमें से बी सही है मतलब कि सारे सही हैं याद करो इन्हें सबको पिंक प्रॉन रेड मीट या फिर टोमेटो रेड मीट टोमेटो दोनों से हो सकता है और आपका सिल्वर सिल्वर आपका एग प्रोडक्शन से है ठीक है थर्ड सारे नहीं मतलब थर्ड नहीं है इसमें सिल्वर आपका एग अंडे से सिल्वर एग वाइट होता है पर पता नहीं क्यों सिल्वर है येलो ऑयल सीड और राउंड पटेटो और रेड आपका ये दोनों मीट प्लस टमेटो याद रखना ये चीजें ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो सौ क्वेश्चन यहीं से हो जाएंगे तैयार इसमें से एक दो भी आ गए तो बस मौज ले लेना ले फिर और क्या करोगे निम्नलिखित में से सबसे दक्षिणी बोर्ड का चयन करें देखा मोज़ मौसम सबके हेडक्वार्टर होने चाहिए तब बता पाओगे कॉफी रबर तम, तबेको और मसाला बोर्ड सबके हेडक्वार्टर बताओ मेरे को और बस चयन कर लो फिर थर्टी थ्री का आंसर वैसे रबर बोर्ड है मैं बता देती हूँ कॉफी बोर्ड का हेडक्वाटर कहां पे है बेंगलुरु रबड़ कोट्यम काय कोट्यम केरला में तबेको का गुंटूर काय गुंटूर प्रदेश में स्पाइस बोर्ड कहां का पे है कोची वो कोची भी हो गया बेंगलुरु थर्टी फोर निम्नलिखित सबसे उत्तरी संस्थान संगठन का चयन करें देखा नदर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च फिर आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर पढ़ लो मैं आपको सारे जब बताऊंगी फिर टाइम वेस्ट होता है ऐसे मताओ। तो मोस्ट है आपका आलू वाला। कहां है आलू वाला वाला शिमला में है तो एक भी याद रह गया ना तो क्वेश्चन ठीक कर आओगे शिमला में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च पे है दिल्ली गन्ने वाला कहां पे भाई लखनऊ सारे कराए हुए ये कॉफी वाला कहां पे है चिकमंगलुर कर्नाटक और ये आपका शिमला है नदरन मोस्ट थर्टी निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें सिलेक्ट दी करेक्ट ऑप्शन देखो आलू का हरा रंग ये सब कराए हैं नहीं कराए चलो कमेंट ये कर दो मैम आपने सब कराया हम पढ़ नहीं रहे ऐसे लिख दो चलो एक बार कॉमेंट आलू का हरा रंग सोलन की वजह से मिर्च में लाल रंग कैप्सिथिन की वजह से गाजर में लाल रंग आइसोसाइनेट की वजह से और मूली में तीखापन एंथोसाइनेट की वजह से सही बताओ कौन सा है बस दो सही है पहला और दूसरा देखो क्यों गलत हुए मिर्च में लाल रंग आप जानते हो अः किसकी वजह से होता है कैप्सीन की वजह से आपको पता है जो आ, आपका आलू का हरा रंग होता है आलू में जो कई बार आपने देखा होगा आलू हरे हरे पड़ जाते हैं तो आलू किस लिए सोलेन की वजह से अब मेरी बात सुनो रेड कलर चिली का कैप्सिनथिन की वजह से जो रेड कलर होता है ना कैरेट का वो एंथोसाइन की वजह से होता है इसकी वजह से और जो पंजेंसी होती है जो हल्का सा चिरचिरी नहीं लगती चिरचिरी बोलते हैं हमारे में तो अब पता नहीं आप लोगों में क्या बोलते हैं पंजें पंजेंसी होती है जो वो आइसोसाइनेट की वजह से होती है रेडिश में ठीक है अभी नीचे भी ये वाला क्वेश्चन है तो और करेंगे अभी सॉल्व निम्नलिखित में, में से गलत विकल्प का चयन करें से दी इनकरेक्ट ऑप्शन रेड कलर टमाटो का रेड कलर अनियन का येलो कलर टर्मरिक का और ऑरेंज और कलर कैरेट का इनकरेक्ट बताओ उसमें से कौन सा है ये आपका हल्दी में पीला रंग ये किसकी वजह से होता है भाई करक्यूमिन आजकल तो बड़ा चल रहा है ये है। और आप आप जानते हैं हल्दी वाली अगर आप चाय पी रहे हैं दूध पी रहे हैं तो उसमें हल्की सी काली मिर्च डालनी चाहिए तो जो ये करक्यूमिन होता है ना इसका बेटर एब्जॉर्प्शन होता है ब्लैक पेपर की प्रेजेंस में ऐसा बताया जाता है लाइसोपिन याद करो लाल कलर टमाटर का और एंथोसाइनिन की वजह से रेड अनियन का कलर होता है और ये करक्यूमिन होता है ऑरेंज कलर कैरेट में ऑरेंज वाली कैरेट आती है ना आप गर्मियों में आएंगी आने भी लगी वो कैरोटीन की वजह से होता है और रेड कलर कैरेट का एंथोसाइनिन जो सर्दियों वाली गाजर होती है गाजर के हलवे वाली गाजर थर्टी काली मिट्टी निम्नलिखित में से किन पोषक तत्वों से भरपूर होती है ब्लैक सॉइल किन न्यूट्रिएंट्स में रिच है लाइम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम फास्फोरस। तो ये वन टू और थ्री हो गया ये फॉस्फोरस में रिच नहीं होती याद रखना ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र गुजरात मध्य प्रदेश इन सब जगह में पाई जाती है ना कॉटन सोयाबीन ये सब बहुत अच्छा होता है इसमें पोटैश लाइम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम बहुत प्रचुर मात्रा में होता है इनमें लेकिन इनमें कमी किसकी होती है देख लो नाइट्रोजन की फॉस्फोरस की और ऑर्गेनिक मैटर की ठीक है जी कार्बनिक पदार्थ की नाइट्रोजन की और फॉस्फोरस की इनमें कमी होती है मतलब कि नीचे है ऐसे करो और इनमें ये तीन इसमें पूरे होते हैं थर्टी एट घोषणा के वर्ष के आधार पर निम्नलिखित वर्षों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग ईयर ऑन द बेसिस ऑफ द डेक्लेन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखा ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस पटेटो बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट जो मैं बताती हूँ ना तो सारी चीजें बताती हूं कि इन सब चीजों को किया करो आते हैं ये तो आंसर तो इसका हो जाएगा ए ये अरेंज है अब देख लो इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस ये है आपका दो और आलू का अंतरराष्ट्रीय वर्ष पटेटो का चार साल बाद 2008 फिर आपका जैव विविधता वाला ये तो सबको याद होगा 2010 ये गलत ना करना ये क्या लिख दिया अब भी नहीं लिखा जा रहा <laughs> फॉरेस्ट 2011 ये गलत ना हो जाए कोई भी 10 11 जैव विविधता और ये फॉरेस्ट दोनों याद रखना लो भाई एक बार और लिख देते हैं अब ठीक है चलिए थर्टी नाइन निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें दिन करेक्ट ऑप्शन आ गए देख लो सारे ईयर शांति का वर्ष फ्रेश वाटर सैनिटेशन फैमिली फार्मिंग अब बताओगे मेरे को आप कौन सा किसका है गलत बताओ कौन सा है ए गलत है दो हजार पंद्रह आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल्स है सोइल्स 2015 2003 दो हजार याद करो फ्रेश वाटर 2008 हजार सैनिटेशन दो इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली प्लानिंग 2015 इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल्स और ये 1986 इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस आएगा नहीं वैसे इतना पुराना नहीं पूछता है बता रही हूं फिर भी निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा में पोटैश चूना और कार्बनिक पदार्थ की प्रचुरता होती है पोटैश लाइमर ऑर्गेनिक मैटर स्किन में ज्यादा है रेड लेटराइट डेजर्ट माउंटेन माउंटेन सॉइल में सॉइल्स है कि नहीं पढ़ा है रेड सॉइल में क्या होता है आयरन होता है ज्यादा लेटराइट right में क्या होता है आयरन एल्यूमिनियम ज्यादा होता है डेजर्ट में सॉल्ट और फॉस्फोरस ज्यादा होता है और माउंटेन में पोटैश लाइम और ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है ठीक है जी फोर्टी वन निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत या भारत में किसी भी राज्य की राजधानी में स्थित है मतलब कौन सा इंस्टीट्यूट जो है वो किसी स्टेट कैपिटल में लोकेटेड है तो बताना आपको इन सबके लोकेशन पता होनी चाहिए देखो क्या घुमा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो फोर्टी वन का आंसर है ए अभी तो ऊपर देख के आए हो दिल्ली में है ये है कि नहीं है ये कहां पे है चावल शोध संस्थान कटक उड़ीसा ये कहां पे है डेयरी अनुसंधान वाला करनाल में है ये और ये कहां पे है केला वाला त्रिची कहां है त्रिची तमिलनाडु तो याद करो इन्हें भाई ये नहीं दिल्ली में निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें सेक्ट से द करेक्ट ऑप्शन आप देख लो फ्लोरीकल्चर क्या होता है फ्रूट साइंस एरोपोनिक्स हवा हा, हा, हाँ में उगाना मोरिकल्चर मलबरी का कल्टिवेशन वर्मी कल्चर केचुआ पालन सही बताओ कौन सा है दूसरा ठीक है सेकेंड थर्ड और फोर्थ फ्लोरिकल्चर क्या होता है कल्टिवेशन या फिर एग्रीकल्चर ऑफ फ्रूट्स फ्रूट, फ्रूट साइंस नहीं

प्रीवियस ईयर कर नहीं रहा है गलत कौन सा है डी फूलगोभी की प्रमुख किस्म क्या है पूसा कार्तिकी और पूसा हिमज्योति कार्तिकी हिमज्योति कार्तिकी हिमज्योति ठीक है जी मुक्ता किसकी है मुक्ता फूलगोभी की है, है। संबंध और मुक्ता ये दोनों प्लस कर दो ये फूलगोभी की है और सॉरी पत्ता गोभी की है और फूलगोभी की मैंने बता दिया आपको पूसा कार्तिकी लिख देती हूँ फिर कहोगे लिखा नहीं कार्तिकी प्लस हिमज्योति ठीक है और ये याद कर लो सब पूछ लेगा पेपर में 45 फोर्टी फाइव से सही विकल्प का चयन करें दी करेक्ट ऑप्शन गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है फर्टिलाइजर्स फर्टिलाइजर्स से सिल्वर कॉटन के प्रोडक्शन से मूक साइलेंट रेवोल्यूशन इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ जूट और, और मूक रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है यूट्यूब पे पढ़ने वाले बच्चों से जो कॉमेंट नहीं करते हैं चलिए ग्रे रेवोल्यूशन जी आर ए वाई ये कोर्स सीरियल्स मोटाना जो होता है ना उससे संबंधित है बताओ सही कौन सा है बी सही है सिल्वर रेवोल्यूशन किससे है रिलेटेड आपका इससे कॉटन से ठीक है गोल्डन किससे रिलेटेड है भाई गोल्डन फाइबर गोल्डन फाइबर फर्टिलाइजर फाइबर कैसे हो सकता है ये जूट है जिसका ये गलत हुआ है ना थप्पड़ लगा लो अपने एक जूट ठीक है मूख क्रांति मूख तो सही बताइए मैंने <laughs> ये कोर सीरियल से रिलेटेड मोटे अनाज से मुख मोटा मुख मोटा ऐसा कर लो और ग्रे किससे जी आर ए वाई ये है आपका फर्टिलाइजर से भाई ये याद कर लो ऐसे याद रह जाएगा पेपर में कि मैं हमने ऐसा कहा था हमें वहां पे तो हम याद रखेंगे निम्नलिखित में से दक्षिणी संस्थान सबसे सदरन मोस्ट बस वही है सब याद कर लो उनको रट लो सबको मृदा लवणता मृदा एवं जल संरक्षण भेड़ एवं ऊन कंद फसल ट्यूबर क्रॉप्स वाला बताओ कौन सा है डी कहां पे है पता ये सेंट्रल ट्यूबर वाला ये तिरुवनंतपुरम में नाइनटीन का है ये ठीक है केंद्रीय भेड़ और ये शिप और वूल वाला है अवीका नगर राजस्थान का 1962 का ये अवीका नगर राजस्थान ए ए फॉर नगर टी फॉर तिरुवनंतपुरम और आपका ये सेंट्रल सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ये आपका देहरादून और लवणता वाला कहां पे आपका ये आपका करनाल में है हरियाणा में ठीक है याद रहेंगे ये तो ये हो गया ना सबसे नीचे वाला बस गाय की निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल भारत के पूर्वी भाग में पे ईस्टर्न पार्ट में पाई जाती है बरगुर खिलारी अमृत महल कहां पाई जाती है मालूम बर, है दार्जिलिंग में बरगुर कहां मिलती है महाराष्ट्र में अमृत महल कहां मिलती है अमृत महल और हल्लीकर ये मिलती है कर्नाटका में सिरी कहां मिलती है वेस्ट बंगाल में और एक है कनगयम वैरायटी है जगह का नाम नहीं है ये कहा मिलती है आंध्र प्रदेश में ब्रीड ऑफ काउस आ जाएगा किसी भी दिन सवाल फोर्टी सेवन निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें सेक्ट से दी इन करेक्ट ऑप्शन फसलें और जलवायु का प्रकार टाइप ऑफ क्लाइमेट मतलब धान जैसे उष्ण कटिबंधी आद्र प्रकार की जलवायु ट्रॉपिकल वेट टाइप ऑफ क्लाइमेट मक्का उपोष्ण कटिबंधी प्रकार की जलवायु सब ट्रॉपिकल जौ उष्ण कटिबंधी ट्रॉपिकल क्लाइमेट और गेहूं समशीतोष्ण प्रकार जैसे टेम्परेट टाइप बताओ मुझे क्या आंसर हो जाएगा इसका गलत कौन सा है जौ जौ कौन से प्रकार की है जानते हो जौ है आपका सम शीतोष्ण प्रकार की मतलब कि टेम्परेट है ये भी जौ और गेहूं दोनों राइस और मेज बिल्कुल ठीक दिया हुआ है जवार आपकी ट्रॉपिकल होती है जवार ठीक है जवार की रोटी खाइए कभी नहीं खाइए खाया करो उष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु एक तरह की रोटी नहीं खाया करो गेहूं की नहीं खाया करो।, करो मिक्स एंड मैच करके खाया करो पूरा डाइट सलाह सब यही दे दूंगी मैं ठीक है फोर्टी एट निम्निखित में से गलत विकल्प का चयन करें करेंट इन करेक्ट ऑप्शन रे शिफ्टिंग स्थानांतरित कृषि शिफ्टिंग कल्चर एग्रीकल्चर सारे बता रखे हैं रीजन रे वियतनाम लायो स्लोगन वेस्ट अफ्रीका लदांग वेनेजुला और तोंगिया म्यांमार बताओ सबसे फेमस वाला ही गलत दिया हुआ है जो सब बच्चों को याद होता है लदांग कहां का है भाई लदांग इंडोनेशिया इंडोनेशिया का है ये बड़े जरूरी हैं पेपर में आएंगे रे याद रखना लोगन एक है कोनोकू वेनेजुला हाँ वेनेजुला का तो देख लो वेनेजु, वेनेजु, वेनेजुला में कौन सा पाया जाता है ठीक है याद कर लो इन्हें 49 दक्षिण भारतीय राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सी स्थानांतरित कृषि की जाती है साउथ इंडियन स्टेट्स में धैया एरका पामादाबी तो, एरका की जाती है ठीक है जी अब मेरी बात सुनो बेवार और धैया ये कहाँ होती है ये बुंदेलखंड में होती है जरा और एरका ये कहां होती है साउथ में पौडु पेंडा कहाँ होती है ये होती है आंध्र प्रदेश में पामा डाबी कोमन ब्रिंगा डाबी ये होती है उड़ीसा में और कुरुवा कहाँ होती है झारखंड में याद रखना कुछ ये नाम एरका और एरका प्लस एरका के साथ कौन सी बताई मैंने अभी एरका के साथ बताई मैंने जारा ये साउथ में होती दोनों 50 आ गया फिर से एक जनपद एक उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये तो आना आना है क्वेश्चन महोबा गाजीपुर बताओ जल्दी गलत कौन सा है सारे याद है जिसको वही बता सकता है डी गलत है गाजीपुर काष्ट कला नहीं होगा क्या होगा गाजीपुर का जूट वॉल हैंगिंग जूट वॉल हैंगिंग है गाजीपुर का महोबा का याद रखो गौरा स्टोन क्राफ्ट है बस्ती का वुड क्राफ्ट है जलाओं का क्या है होम है, मेड पेपर आर्ट है हैंडमेड सॉरी और लखीमपुर खीरी का ट्राइबल क्राफ्ट है और आपका गाजीपुर गलत हो गया गाजीपुर का मैंने बता दिया वॉल हैंगिंग्स जूट की वॉल हैंगिंग्स डब्ल्यू एच शगुन का सवाल आ चुका है ये गलत नहीं होना चाहिए निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन भारतीय भेड़ की विभिन्न नस्लें डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ इंडियन शीप दूध देने वाली नस्ल कौन सी है बकरवाल ऊन देने वाली बीकानेरी मांस देने वाली शाहबादी मीट इल्डिंग काली निर्माण में प्रयुक्त होने वाली ऊन देने वाली चोकला देखा अलग अलग तरीके की है ये आंसर बताओ ए दूध देने वाली पता है कौन सी होती है मिल्किंग दूध देने वाली होती है कूका कूका बढ़िया नाम है और आपका ऊन देने वाली कौन सी होती है बीकानेरी प्लस बकरवाल ये दोनों शाहबादी बिल्कुल ठीक दिया हुआ है और चोकला और मालपुरा चोकला प्लस मालपुरा कालीन भैया के काम आती हैं ठीक है, है? चलिए 52 पशुओं में होने वाले निम्नलिखित में से कौन से रोग जीवाणु के कारक बैक्टीरिया से होते हैं पोंकनी थनेला गिल्टी रोग लंगड़ा बुखार पोकनी मैस्टिथ्राक्स या ब्लैक वाटर ये सब पहले तो पशुओं की बीमारियां हैं ठीक है और कौन सी बैक्टीरिया से हैं वो बताइए आप मुझे यहां आपकी सेकेंड थर्ड और फोर्थ मतलब पोकनी नहीं है तो पोकनी किससे पोकनी वायरस से होती है पोकनी वायरस याद रखना बस चलो गलत विकल्प का चयन करें फसल और उनसे संबंधित रोग दिए हैं बाजरा मिलेट का है अर्गट रोक और अर, अर, अर्गट डिजीज मूंगफली का टिक्का डिजीज अरहर का पंचित्ती लीफ स्पॉट गेहूं का करनाल बंट गलत बताओ कौन सा अरहर अरहर में क्या होता है अरहर में होता है उकटा रोग विल्ट डिजीज उकटा रोग डब्ल्यू आई एल टी विल्ट डिजीज ठीक है जी बाकी सब बिल्कुल ठीक दिए हुए हैं एरगोट करनाल बंट टिक्का या फिर लीफ स्पॉट टिक्का और लीफ स्पॉट एक ही होता है मतलब लीफ पे स्पॉट लग जाए तो टिक्का हो गया ना उसको टीका हो गया ना टीका को टिक्का ऐसे बोल दिया थोड़ा हम इधर होंगे देसी लोग चलो 54 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें सेलेक्ट दिन करेक्ट ऑप्शन मछलियों में सैप्रोलेग्निया रोग कवक के कारण होता है मतलब फंगस की वजह से सैप्रोलेग्निया डिजीज इन फिशेस जुगाली करने वाले पशुओं में अफरा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है टिम्फनी डिजीज जो होता है ना रूमिनेट्स में दैट इज कॉज बाय बैक्टीरिया और गायों में मिल्क फीवर रोग दैट इज मिल्क फीवर डिजीज किस लिए होता है बाय द डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम बताइए फोर का आंसर गलत पूछ रहा है बी क्यों बी क्यों गलत है जो है वो कंटेमिनेटेड डाइट की वजह से होता है मतलब कि दूषित आहार की वजह से होता है अफरा रोग और बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है बाकी दोनों ठीक है ये गलत है निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन शलगम का वाटर कोर रोग वॉटर कोर डिजीज बोरॉन की कमी की वजह से फूलगोभी का विप्टेल रोग मॉलिबिडन विप्टेल डिजीज फूलगोभी का बंटनिंग रोग बटनिंग डिजीज मैंगनीज और फूलगोभी का ब्राउनिंग नाइट्रोजन बताओ सही कौन सा ये पूछ रहा है ये बी ठीक है बस विप्टेल जो होता है ना ये मॉलिबिडनियम की अच्छा वॉटर कोर किस लिए होता है वॉटर कोर होता है मैंगनीज और आपका विप्टेल मॉलिबिडनियम बटनिंग जो कॉलीफ्लावर की बटनिंग हो जाती है ना ये आपकी नाइट्रोजन और ब्राउनिंग बी फॉर ब्राउनिंग बी फॉर बोरॉन तो सिर्फ ये ठीक है बाकी सब गलत है 56 विपणन मौसम 2022 23 के, के लिए निम्न में से किस खरीफ फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई थी हाइएस्ट इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हैज बीन रजिस्टर्ड इन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग खरीफ क्रॉप फॉर मार्केटिंग सीजन ट्वेंटी टू ट्वेंटी ग्राउंड नट सनफ्लावर सीड सोयाबीन येलो वाला और सेसमम तिल 56 का आंसर क्या हो जाएगा सी ये थोड़ा सा डेटा देख के जाना पड़ेगा आपको अभी आपका का वीडियो रिलीज हो जाएगा उससे आप जो भी सर बताएंगे आपको इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें वो देख के चले जाना फिलहाल इसमें यही है कि सबसे कम जो था न्यूनतम ये आपका सोयाबीन पीले वाले में हुआ था बस इतना ध्यान रखना ज्यादा कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है 57 है मौसम 2022-23 के अनुसार निम्न में से किस खरीफ फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य के मूल्य में न्यूनतम वृद्धि दर्ज की गई थी प्रति क्विंटल के हिसाब डायरेक्टली तो देख लो इसका आंसर आपका डी है मक्का इसमें आपका हाइएस्ट देखा गया था तो इतनी बात ध्यान रखना और इंक्रीज वैसे सबसे ज्यादा जो देखा गया वो देखा गया था आपका पैडी में नहीं पैडी बाजरा ये सबसे कम पूछ रहा है ना मिनिमम इंक्रीज हाँ सबसे ज्यादा इंक्रीज किसमें देखा गया था सबसे ज्यादा इंक्रीज देखा गया आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो खरीफ क्रॉप्स के थे वो आपका इंक्रीज इन एमएसपी जो एप्सल्यूट देखा गया वो हाँ पैडी में भी काफी था बाजरा में भी काफी था सबसे कम मेज में था बस इतना ध्यान रखना फिफ्टी एट देख लो सत्रवीं उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के संबंध में सही विकल्प का चयन करें करेक्ट ऑप्शन रिलेशन टू सेवनटीन उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट कुल और प्रतिशत दोनों की दृष्टि से सबसे अधिक वनावरण सोनभद्र जिले में है हाईएस्ट ये तो अब याद तो करना पड़ेगा सोनभद्र में हाइएस्ट फॉरेस्ट कवर है तो, इन टर्म्स ऑफ टोटल परसेंटेज और एरिया भी फॉरेस्ट कवर भी और परसेंटेज कुल और प्रतिशत दोनों की दृष्टि से सबसे कम वनावरण में है लोएस्ट फॉरेस्ट कवर वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि सहारनपुर में दर्ज की गई है बताओ आंसर ये ठीक है बातें सारी तीनों सोनभद्र हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर टोटल भी परसेंटेज भी बधोही सबसे कम दोनों में और मैक्सिमम इंक्रीज फॉरेस्ट कवर में क्या हुआ है सहारनपुर में देखो तीन तो फैक्ट यही याद हो गए अब बढ़िया फैक्ट्स हैं तीनों फिफ्टी नाइन फिर सेम वनावरण में सबसे अधिक कमी सोनभद्र में मैक्सिमम रिडक्शन सोनभद्र में झाड़ियों का सबसे अधिक क्षेत्रफल आगरा जिले में है मैक्सिमम ऑफ श्रब्स राज्य में चार जिलों में वनावरण की दृष्टि से मध्यम सघन वन नहीं है देर आर नो मीडियम डेंस फॉरेस्ट इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर इन फोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट इनकरेक्ट पूछ रहा है सही है सारे कोई गलत नहीं इनमें से। देखो बताऊं मैं एक चीज मैक्सिमम रिडक्शन जो देखा गया वो सोनभद्र में देखा गया एक तो सोनभद्र भदोई के जितने भी फैक्ट्स है ना ये सारे याद रखना पहली चीज तो बाकी दिए हुए हैं इस दियु है आगरा में सबसे रिपोर्ट के आधार पे उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से किस जिले में वनावरण के मामले में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज हुई है हाइएस्ट इंक्रीज इन in टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर सारनपुर चित्रकूट प्रयागराज बाराबंकी आंसर बताओ सारनपुर में देखी गई है सारनपुर में 49.92 वर्ग किलोमीटर जो है ये मतलब टॉप फाइव है सारनपुर चित्रकूट प्रयागराज बाराबंकी और एक और है इसके नीचे ई करके अगर लगाओ तो बलरामपुर ठीक है तो ये पांचों याद रखना टॉप फाइव है ये सारनपुर याद रखना आपको हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर सेकंड चित्रकूट प्रयागराज बाराबंकी निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें सेलेक्ट दी इनकर एक ऑप्शन वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सवाल है ये केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष बाईस तेईस से पच्चीस छब्बीस तक की अवधि के लिए शुरू की गई एक योजना है इसके अंतर्गत उत्तरी सीमावर्ती गांव में समग्र विकास कार्य कराए जाएंगे अंडर दिस ओवरऑल डेवलपमेंट वर्क विल बी डन इन द नदरन बॉर्डर विलेजेस यह योजना देश के उत्तरी भूमि सीमा के साथ चार राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेशों में 19 जिलों एवं 42 सीमा ब्लॉकों में आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास और आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए धन प्रदान करेगी ये फंड्स देगी फॉर असेंशियल डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जनरेशन ऑफ लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज इन 19 डिस्ट्रिक्ट 42 बॉर्डर ब्लॉक्स फोर स्टेट्स एंड वन यूटी नदरन लैंड बॉर्डर जो है ना कंट्री का उस उस टाइम पे उस जगह पे मतलब और या फिर इनमें से कोई नहीं गलत पूछ रहा है यही गलत है सिक्सटी वन का सी गलत है देखो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है ये सही है बाईस तेईस की है ओवरऑल डेवलपमेंट होगा ही इसमें जो नॉर्थ वाले बॉर्डर के गांव है ना वहां पे होगा और एक्चुअली ये लिवलीहुड देगा उन्नीस डिस्ट्रिक्ट छियालीस बॉर्डर ब्लॉक्स चार स्टेट्स एक यूनियन टेरिटरीज तो ये छियालीस है फोर्टी याद रखना बॉर्डर ब्लॉक बाकी ठीक है डेटा याद रखना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो इंपॉर्टेंट वाली स्कीम्स वगैरह है वो यहाँ कराई जा रही हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन सीओपी ट्वेंटी सेवन के संदर्भ में है यह जलवायु शिखर सम्मेलन पिछले वर्ष मिस्र में स्थित शर्मल शेख में आयोजित किया गया था श्रीलंका द्वारा श्रीलंका सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव दिया गया था संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र ने विश्व के सबसे बड़े पवन फार्मों में से एक को विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे फ्रांस द्वारा सतत ऋण गठबंधन सस्टेनेबल क्रेडिट अलायंस नामक एक पहल की शुरुआत की गई है बताइए मुझे सीओपी ट्वेंटी सेवन का आंसर गलत क्या होगा गलत है आंसर डी क्यों गलत है जो ये इनिशिएटिव है सस्टेनेबल क्रेडिट अलायंस सतत ऋण गठबंधन इसकी शुरुआत मिस्र ने ही करी है इजिप्ट नॉट फ्रांस एम फोर ए आई एम फोर ये एक क्लाइमेट रिलेटेड एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन है ध्यान रखिएगा मेरी बात ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इसको लॉन्च किया है और इंडिया इसका में एम फोर ए आई एम ये इसी से रिलेटेड है सीओपी ट्वेंटी सेवन से और बिल्कुल ठीक बात है लास्ट ईयर शर्म अल शेख जो इजिप्ट में लोकेटेड है मिस्र में वहां हुई थी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी कौन बनाएगा प्रपोज किए गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका ने और यूनाइटेड अरब इमिरेट और इजिप्ट ने साइन किया है एग्रीमेंट विंड फार्म से रिलेटेड और एम फोर जो है ये क्लाइमेट रिलेटेड एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन है समझे मेरी बात जलवायु संबंधी कृषि नवाचार विषय है भारत इसका सदस्य नहीं है बस इसका ध्यान रखना एम फोर जरूरी क्वेश्चन 63 शून्य बजट प्राकृतिक कृषि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग सही विकल्प आपको उर्वरक और कीटनाशक या किसी अन्य बाहरी सामग्री का उपयोग करके फसल उगाने से संबंधित पेस्टिसाइड्स और एनी अदर एक्सटर्नल मटीरियल यह मिट्टी को उर्वरता, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और रसायन मुक्त कृषि सुनिश्चित करने में सहायक होता फर्टिलिटी एंड एंश्योरिंग केमिकल फ्री एग्रीकल्चर इसे सुभाष पालेकर उड़ीसा के एक प्रसिद्ध किसान द्वारा उन्नीस के दशक में हरित क्रांति के तरीकों के विकल्प के रूप में विकसित किया गया था इट हैड बीन डेवलप्ड बताना है। पहला और दूसरा ठीक है तीसरा क्यों गलत है ये बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है देख लो इसे ये डेफिनेशन पढ़ के जाना इसी में खेलेगा वो तुमसे कुछ और लिख देगा यहाँ पे सुभाष पालेकर ने किया था सुभाष पालेकर एक्चुअली उड़ीसा से नहीं है महाराष्ट्र से है बस ये गलती है इसमें गलत है 64 निम्नलिखित में में से किस फसल फसल के लिए वर्तमान न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी नहीं किया जाता मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं जारी किया जाता रॉ जूट कच्चा जूट और सैफलार कुसुम नाइजर सीड रामतिल राम तिल इनमें से कोई नहीं बात सुनिए मेरी मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिलहाल 22 क्रॉप्स के लिए दिया जा रहा है टोटल याद रखना एक तो ठीक है फेयर और रेन्यूमरेटिव प्राइस जो है वो सेपरेटली इशू होता है किसके लिए एफ किसके लिए होता है कॉमेंट करके बताओ मुझे इन बाईस क्रॉप में सात तो हैं मोटे है मोटे अनाज सीरियल्स पांच है इसमें दाले सात पांच सात है सीड वाली क्रॉप और तीन है कमर्शियल क्रॉप ये तीन कमर्शियल क्रॉप कौन सी है कॉटन कोपरा रोजूट सात ऑयल सीड कौन से हैं ये तिलहन कौन से हैं साथ सुन लो मस्टर्ड सोयाबीन सनफ्लावर ड ग्राउंडनारेमेलार नाइजर सीड पांच पल्सेस कौन सी है चना अरहर तूर उड़द मूंग मसूर और सीरियल्स कौन से हैं पांच सात पैडी वीट मेज बाजरा जुआर रागी बारले तो ये सारे हैं कवर्ड बाईस हैं टोटल बाईस और एफआरपी किसका दिया जाता है कौन सा बच गया मेन बताओ जल्दी कमेंट करके निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने हाल ही में नाइन पॉइंट क्रिप्टो एक्शन प्लान नाइन पॉइंट क्रिप्टो एक्शन प्लान लॉन्च किया है कि कैसे देशों को क्रिप्टो संपत्ति का इलाज करना चाहिए मतलब ये इसलिए है कि हाउ दे शुड ट्रीट क्रिप्टो एसेट्स एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया किसने किया लॉन्च बताओ मुझे आई एम एफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं सॉरी गलत मार्क हो गया मुझसे ये लॉन्च किया है आई एम एफ ने इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड नाइन पॉइंट क्रिप्टो एक्शन प्लान याद रखो इसलिए बार बार बोल रही हूं मैं है, जैसे यही याद हो जाए तुम लोगों को क्योंकि याद हो जाता है भाई टेस्ट सीरीज से मानो मत मानो सिक्सटी सिक्स निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें सेलेक्ट दी इनकरेक्ट ऑप्शन क्यू डोंगो ये करंट डायरेक्टर जनरल हैं फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के खाद्य और कृषि संगठन के वर्तमान महानिदेशक हैं एंगोन्जी ओकोन्जो इवेला ये करंट डायरेक्टर हैं डायरेक्टर डि, डि, जनरल डब्ल्यूटीओ के विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान महानिदेशक हैं गिलबर्ट एफ होंगबो ये आपके करंट डायरेक्टर जनरल हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के या फिर इनमें से कोई नहीं बिल्कुल ठीक है सारे करंट अफेयर से अपडेट करेंगे आप इसको ध्यान रखिएगा ठीक है क्यों को कहां के हैं चाइना के आपके ये कहाँ के हैं नुकोजी तो ने बहुत अच्छे से कराया है करंट अफेयर में बताओ मुझे और किलबर्ट एफ होंगो करंट है ये फिलहाल चल रहे हैं ग्यारहवे और आई एल के ठीक है ये अपना उससे रखो एकदम सेट करंट अफेयर से कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी यूएनई पी यूएनएफपी यूएनएचएसपी बताओ मुझे सबके ईयर पता होने चाहिए सी है अब सुन लो यूनाइटेड uh, सबसे पहले तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ईयर 1965 कहां पे है न्यूयॉर्क सिटी यूएसए यूनेप 1972 कहां पे है नैरोबी कीनिया 1969 जनसंख्या वाला पॉपुलेशन फंड न्यूयॉर्क सिटी यूएसए 1978 सेवेंटी एट कहां पर नैरोबी केनिया तो याद रखना दो तो न्यूयॉर्क सिटी के हो गए और दो हो गए आपके नेरोबी केनिया के ईयर याद कर लो बस बात बन जाएगी हेडक्वार्टर तो याद रह ही जाते हैं गलत विकल्प का चयन करें सेलेक्ट दिन कर ऑप्शन संगठन का नाम और मुख्यालय दिया हुआ है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी दहेग नीदरलैंड अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी वेन ऑस्ट्रिया अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन मॉन्ट्रियल कनाडा, रेड क्रॉस की अंतरराष्ट्रीय समिति इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस जेनीवा स्विट्जरलैंड गलत बताओ कौन सा है बच्चे को भी बताओ कहाँ है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर सबसे पुरानी है ये 1894 की है ये गलत है बड़ा हो गया ना बताओ जल्दी लॉजेन स्विट्जरलैंड लुसान या फिर जैसे भी लुसान या लॉजेन स्विट्जरलैंड और ये इंटरनेशनल अटोमिक एनर्जी एजेंसी कब की है नाइनटीन की कहा लिखूं भाई ये अपने नोट्स में लिख लो ठीक है और इंटरनेशनल सिविल एविएशन वाला इसके के हेडक्वार्टर ठीक है ये आपका 1944 का है और रेड क्रॉस 1945 का तो ये इसका ये लो हो जाएगा L O S S A N E लोसेन स्विट्जरलैंड ठीक है जी 69 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें सत्रवी उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 17 उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट सबसे कम अति सघन वाले वन वाला जिला वेरी डेंस फॉरेस्ट जिसमें सबसे कम है बस्ती सबसे कम मध्यम सघन वन वाला जिला संत कबीर नगर विद मीडियम लीस्ट लोएस्ट मीडियम डेंस फॉरेस्ट और आपका सबसे कम खुले वनों वाला जिला डिस्ट्रिक्ट विद लोएस्ट ओपन फॉरेस्ट बदोही आंसर बताओ डी है इसका आंसर अब याद कर लो ये तीनों यहीं पे कितना स्क्वायर किलोमीटर है एक स्क्वायर किलोमीटर है बस्ती में तो फिर आपका जीरो पॉइंट एट सिक्स है संत नगर में और थ्री पॉइंट सेवन वन है यहाँ पे क्या है ये बदोगी। बहुत कम है निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय दिन महीने के संदर्भ में सबसे पहले मनाया जाता है मंथ समझ आया क्वेश्चन अभी जब आंसर बताऊंगी तो पता चलेगा बताओ पढ़ के मतलब कौन सा पहले आता है पूरे साल में कौन से महीना पहले आता है इनका ये आपका ए है सामाजिक न्याय का विश्व दिवस वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस ये कब मनाया जाता है आप जानते हैं ट्वेंटी फेब को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे शून्य भेदभाव दिवस ये आपका फर्स्ट मार्च को है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे विश्व बौद्धिक संपदा दिवस ये कब होता है आपका छब्बीस अप्रैल आने वाला है तो है और जैव विविधता के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस ये आप मुझे कमेंट ऑन करके बता दीजिए फटाफट से ये तो बहुत बार बता चुकी हूँ मैं बताइए कब बताइए तीन सबसे बड़े चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश और पंजाब ने मिलकर नवीनतम कृषि डेटा बाईस तेज के अनुसार भारत के कुल चावल उत्पादन का कितने प्रतिशत उत्पादित किया है टॉप थ्री कौन से हैं आप जानते हैं राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स वेस्ट बंगाल उत्तर प्रदेश पंजाब इन्होंने दोनों ने मिलकर देव प्रोड्यूस्ड हाउ मच परसेंटेज ऑफ इंडिया टोटल राइस प्रोडक्शन एज पर द लेटेस्ट एग्रीकल्चर डेटा ट्वेंटी ट्वेंटी सवाल तो ओवरऑल याद रखना ऐसा सवाल बन सकता है और टू बी प्रोसाइस यह थर्टी फोर पॉइंट फोर एट परसेंट है टू निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें नवीनतम कृषि डेटा बाईस तेईस इनकरेक्ट सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट यूपी सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य कर्नाटक सबसे बड़ा कुल न्यूट्री अनाज कोर्स सीरियल्स राजस्थान और सबसे बड़ा तूर उत्पादक लार्जेस्ट तूर प्रोड्यूसिंग स्टेट महाराष्ट्र बताएंगे आप मेरे को कौन सा गलत है सी गलत है टोटल न्यूट्री कोर्स आपको लगेगा राजस्थान है पर है नहीं इट इज एक्चुअली कर्नाटक ये याद करो बस ये कर गलत है सेकंड पे है राजस्थान एक्चुअली वीट के बताऊं टॉप तीन यूपी एमपी, पंजाब मेज का कर्नाटका एमपी महाराष्ट्र और मोटे अनाज का कर्नाटका राजस्थान महाराष्ट्र और तुर्क महाराष्ट्र कर्नाटका यूपी एक बार मतलब थोड़ा ध्यान रख लेना 73 नवीनतम कृषि डेटा 2022-23 के संबंध में सही विकल्प लेटेस्ट एग्रीकल्चर डेटा फसल और उत्पादन में प्रथम राज्य चना मध्य बता दो कौन सा है फर्स्ट रैंक इन प्रोडक्शन चना दालें कुल, दाले, कुल खाद्यान्न तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सेवेंटी थ्री का इसका आंसर हो जाएगा आपका बी सिर्फ तीसरा देख लो मेरी बात ग्राम में टॉप पे महाराष्ट्र है महाराष्ट्र एमपी राजस्थान देखो टॉप तीन वाले प्लीज एक पेज पे लिख लो क्योंकि तो यहां पे नहीं पॉसिबल है हर चीज लिखाना आप पहले चना डालो और फिर चना में लिखो आप एमपी सॉरी महाराष्ट्र महा ऐसे एम ए एच ए फिर क्रॉस करके उसको म, मतलब ऐसे ग्रेटर देन करके आपका एमपी है इसमें और फिर आपका है राजस्थान टोटल पल्सेस में आपका महाराष्ट्र मध्य प्रदेश महाराष्ट्र राजस्थान टोटल फूड ग्रेन्स में उत्तर प्रदेश फिर उत्तर प्रदेश के बाद है आपका एमपी और फिर आपका पंजाब ऐसे तीन तीन टॉप तीन तो थोड़ा सा देखो, देखो देख के जाओ टॉप तीन में सारे बता भी रही हूँ ठीक है सेवेंटी फोर नवीनतम कृषि डेटा के संबंध में गलत चुनना है हमको अब इनकरेक्ट फसल उत्पादन में प्रथम राज्य तो ये देखो याद करना पड़ेगा एक पेज इसका बना लो प्लीज ऐसे नहीं होगा फॉरेस्ट रिपोर्ट उत्तर प्रदेश की फॉरेस्ट रिपोर्ट आपका हेल्थ पॉलिसी से रिलेटेड सवाल आ, ए फोर शीट का सिर्फ एक साइड और आपका क्या रह गया एग्रीकल्चर डेटा बता दिया मैंने और स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देखो मिसलेनियस को थोड़ा सा इसको ना एंड के टाइम पे पढ़ के जाना इसको अभी लगा के थोड़ा सा देखो जो टेस्ट सीरीज के हैं वो तो नहीं गलत होंगे लेकिन ये वाले भूल जाता है ना इंसान तो बताओ मूंगफली रेपसीड सरसों सोयाबीन सूरजमुखी गलत पूछ रहा है ये बी गलत है देखो मूंगफली के देख लो सुनो गुजरात राजस्थान तमिलनाडु गुजरात राजस्थान तमिलनाडु ठीक है गुजरात राजस्थान और तमिलनाडु लो मैं कोशिश करती हूं लिखने की रेपसीड और मस्टर्ड के हैं राजस्थान एमपी हरियाणा तो एक मिनट राजस्थान एमपी और यहां पे हरियाणा सोयाबीन के हैं महाराष्ट्र एमपी राजस्थान महाराष्ट्र एमपी और आपका राजस्थान ये इसके हैं और कर्नाटका के इधर लिख दूंगी सनफ्लावर में कर्नाटका फिर आपका है कर्नाटका के बाद है देखो तेलंगाना ठीक है और तेलंगाना के बाद है आपका उड़ीसा तो ऐसे याद कर लो तो ये गलत है बस बाकी ठीक है 75 नवीनतम कृषि डेटा 2022-23 के अनुसार उस राज्य जो कुल तिलहन के उत्पादन में तीसरे स्थान पर और कपास के उत्पादन में पहले स्थान पर है उसका नाम बताइए नेम द स्टेट विच रैंक्स थर्ड इन प्रोडक्शन ऑफ टोटल ऑइल सीड्स एंड फर्स्ट इन प्रोडक्शन ऑफ कॉटन वो राज्य आपका इनमें से कोई नहीं है क्यों टोटल ऑयल सीड्स में मेरी बात सुनिए आप राजस्थान एमपी और गुजरात है राजस्थान एमपी और गुजरात और कॉटन के प्रोडक्शन में आपका गुजरात महाराष्ट्र और तेलंगाना है इनमें से कोई नहीं हो गया ना ठीक है और शुगर केन शुगर केन वाले बता दिए मैंने आपको शुगर केन वाले याद रखिए प्लीज आप शुगर केन के यहाँ के यूपी महाराष्ट्र कर्नाटका शुगर केन का मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ये तो आपको याद करके जाना है ना बेसिक नहीं गलत करके आना शुगर केन का आपका यूपी टॉप पे फिर आपका महाराष्ट्र है फिर आपका कौन सा है कर्नाटका है तो ऐसे करके थोड़ा सा ध्यान रख लेना चलिए सेवेंटी सिक्स नवीनतम खनिज डेटा देखो अब जैसे ये आपका क्या गया लेटेस्ट मिनरल डेटा तो एक पेज इसका बना लो इसके अनुसार निम्नलिखित देशों को 2020 में कैडमियम के वैश्विक उत्पादन के उनके योगदान के आधार पर आरोही क्रम में आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में मुझे बता दीजिए आप रिपब्लिक ऑफ कोरिया जापान रशिया इसका आंसर है थ्री टू वन अब क्यों है इसका आंसर थ्री टू वन देखिए कैडमियम का जो अगर देखें तो कैडमियम का टोटल अगर देखें तो चाइना ने किया अराउंड फोर्टी टू परसेंट कोरिया ने किया एटीन परसेंट तो चाइना है एक्चुअली टॉप पे फिर आपका कोरिया ने किया कितना एटीन परसेंट फिर आपका जापान ने किया था सेवन परसेंट और रूस ने आपका किया है सिक्स परसेंट तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लो बस 77 निम्नलिखित में से किस देश में चांदी के कुल वैश्विक भंडार का प्रतिशत के संदर्भ में सबसे अधिक भंडार है बोल रहा है हाईएस्ट रिजर्व्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ परसेंटेज ऑफ द टोटल ग्लोबल रिजर्व्स ऑफ सिल्वर पोलैंड चिली यूएसए या फिर बुलिविया तो ए हो जाएगा इसका आंसर कंट्री का रिजर्व अगर देखें तो परसेंटेज के टर्म्स में तो पेरू है टॉप पे पेरू के बाद आपका ऑस्ट्रेलिया है फिर पोलैंड है ठीक है पेरू है आपका सबसे ज्यादा फिर आपका ऑस्ट्रेलिया है फिर आपका पोलैंड है पोलैंड के बाद आपका रशिया है फिर चाइना है ठीक है फिर मेक्सिको। टॉप वाले देख लो बस इनमें से हाईएस्ट मतलब पोलैंड है टॉप थ्री में इतना ध्यान रखो पेरू ऑस्ट्रेलिया पोलैंड बस ऐसे याद रख सेवेंटी एट निम्नलिखित राज्यों को सोने के अयस्क प्राथमिक के संदर्भ में सबसे बड़े संसाधनों के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए फॉलोइंग स्टेट्स इन रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ गोल्ड ओर प्राइमरी बिहार राजस्थान कर्नाटका क्या हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा वन टू और थ्री अब देखो टॉप याद रखने हैं लार्जेस्ट जो है ना गोल्ड ओर वो कहां पे? बिहार राजस्थान कर्नाटका बिहार राजस्थान कर्नाटका और चलो वेस्ट बेंगाल आंध्र प्रदेश पांच देख लो बिहार राजस्थान कर्नाटका वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश ऐसे याद रख लो कितना परसेंटेज क्या ये सब छोड़ दो बस जो सवाल बताया जा रहा है उसको एज इट इज याद रख लो भारत के संदर्भ में कॉपर अयस्क के कुल भंडार संसाधनों का लगभग 92 प्रतिशत निम्नलिखित में से किन तीन राज्यों में उपलब्ध है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया अबाउट 92 परसेंट ऑफ द टोटल रिजर्व्स रिसोर्सेज ऑफ कॉपर ओर इज अवेलेबल इन विच थ्री ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स का पूछ रहे हैं। मतलब मैक्सिमम शेयर तीन स्टेट्स के पास है। वो स्टेट्स कौन सी हैं? यह आपकी राजस्थान झारखंड और एमपी के पास है याद रहेगा राजस्थान झारखंड एमपी। बस बाकी का बचा हुआ कहाँ पाया जाता है वो पाया जाता है आपका आंध्र प्रदेश गुजरात वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है टॉप सिंग याद रखना है आपको

आपका गुजरात है कोल रिजर्व में बताऊं मैं आपको कोल की करें तो झारखंड के बाद तो ठीक दिया हुआ है और ईस्टर्न ऑफ शोर में किसका? पेट्रोलियम क्रूड रिजर्व सॉरी इसमें आपका है वेस्ट ऑफ शोर सबसे ज्यादा फिर आपका है पहले तो वेस्ट लिख लो कहां पे लिखू यहां लिख दू क्या चलो यहीं देख लो पहले तो वेस्ट ऑफ शोर है डब्लू ओ सबसे ज्यादा फिर आपका असम है सबसे ज्यादा फिर आपका गुजरात है और फिर आपका ये है ईस्ट वाला ये और इसके बाद है आपका राजस्थान तो ये यहां पे याद कर लो वेस्ट ऑफ शोर आसाम गुजरात ईस्टर्न ऑफ शोर और राजस्थान अब वेस्टर्न ऑफ शोर में हाइएस्ट नैचुरल गैस का बोल रहा है तो नेचुरल गैस का देख लो नेचुरल गैस का उल्टा हो जाएगा पहले ईस्ट मैं पहले ईस्ट ऐसे लिख रही हूं फिर वेस्ट याद रहेगा इसके बाद असम और इसके बाद आंध्र प्रदेश ऐसे याद आपको ठीक है जी एटी वन निम्निखित में से गलत विकल्प का चयन करें करेंट दिन करेक्ट ऑप्शन सीओपी दी, दी हुई और कहां हुई ट्वेंटी एट ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी फाइव तो गलत वाली बता दो पहले सी देखो सीओपी ट्वेंटी सिक्स कैटोवेस में नहीं हुई थी सीओपी ट्वेंटी सिक्स कहां थी ग्लास गाओ यूनाइटेड किंगडम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ चुके हैं कई बार पहली आबुधाबी में हुई थी वो ट्वेंटी एट हुई नहीं थी 2023 की है ये ठीक है याद रख लो में और 27 इजिप्ट दो में 2021 में सीओपी 26 और 25 स्पेन कौन से ईयर में इंपॉर्टेंट में. में, नहीं है सही विकल्प का चयन करेंट दी करेक्ट ऑप्शन विश्व जनसंख्या दिवस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेवेंथ अक्टूबर पर्यावरण दिवस वर्ल्ड हैबिटेट पर एट सितंबर विश्व हैपेटाइटिस दिवस वर्ल्ड हैपेटाइटिस कोई नहीं बताओ सी हो जाएगा सही पूछ रहा है ना तो ट्वेंटी जुलाई हेपेटाइटिस आने वाला है आएगा मतलब आने क्या वाला है आपका सेवेंथ ऑफ अक्टूबर को होता है कॉटन डे ठीक है और बाकी बता देती हूँ वर्ल्ड है आपको कब होता है ये होता है आपका सेकेंड ऑफ बताइए अक्टूबर और हेपेटाइटिस आपने देख लिया पॉपुलेशन डे कब होता है भाई ये तो बिल्कुल नहीं गलत होना चाहिए था इलेवंथ जुलाई को होता है ये और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब होता है थर्ड मे को होता है कॉटन डे कब होता है सेवेंथ अक्टूबर को होता है एट सेप्टेम्बर को क्या होता है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे चलिए कुछ तो मेहनत कीजिए एटी ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिलेशन टू द ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 पहली दूसरी ऐसे रैंक पूछा है इंडिया की रैंक तो मैं खराब ही चुकी हूँ पिछले टेस्ट में बताओ मुझे 83 का आंसर बताओ सी गलत है देखो टॉप तीन और इंडिया की रैंक बताई थी मैंने इंडिया की रैंक बिल्कुल ठीक थी 121 एक एक याद रखना टॉप तीन बताए थे मैंने फिनलैंड डेनमार्क स्वीडन नॉर्वे देखो फिनलैंड डेनमार्क स्वीडन नॉर्वे एफ डी एस एन देखो अब क्यों गलत है ये

सारे रखो रुवान वेरेगुवन श्रीलंका के ये करंट सेक्रेटरी जनरल हैं आसियान की चेयरमैनशिप दो की इंडोनेशिया के पास है और ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी किसके पास है साउथ अफ्रीका के पास है फुल फॉर्म दोनों की कॉमेंट करके बताइए ये तो देवी सासिकार्क सा,

यूनिसेफ का नहीं है कहा है, है हेडक्वार्टर यूनिसेफ का पहले तो बताइए आप मुझे नाटो का कहा है नाटो 1949 फोर्टी नाइन और हेडक्वार्टर कहा है ब्रसल्स कहा है ब्रसल्स बेल्जियम में फिर आपका ये यूनेस्को 1945 ये मैं ईयर इधर लिख रही हूँ और हेडक्वार्टर उधर लिख रही हूँ जैसे भीड़ ना हो यहाँ पे ये कहा यूनेस्को का कहा है पेरिस अब पेरिस कहा है ये पता है नहीं पता तो कोई बात नहीं ओपेक 1960. हेडक्वार्टर इनका ऑस्ट्रिया इसका का है? 1946. इसका है न्यूयॉर्क आंसर ये हो गया 86 नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकीय रिपोर्ट 2020 एक और आ गया सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2020 ये एक्चुअली सितंबर में रिलीज हुई है कौन रिलीज करता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया भारत के महापंजीयक इसमें क्रूड रेट अशोधित जन्म दर कुल प्रजनन दर टोटल फर्टिलिटी रेट प्रारंभिक नवजात मृत्यु दर जो जीरो से सात दिन की होती है ना अर्ली न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट या फिर इनमें से कोई नहीं मतलब कितना है ये पूछ रहा है इनकरेक्ट। सी प्रारंभिक अर्ली न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट जो है वो पंद्रह है ठीक है पंद्रह बाकी ये ठीक है याद कर लो दरों को नमूना सेम नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2020 के अनुसार उनके संख्यात्मक मान के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें अरेंज देम ऑन दी असेंडिंग ऑर्डर नवजात मृत्यु दर न्यूनिटल मोटेलिटी रेट शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मोटेलिटी रेट पांच वर्ष से कम बच्चों की मृत्यु दर मोर्टेलिटी रेट ऑफ आंसर ठीक है नवजात मृत्यु दर देख लो न्यूनिटल शिशु मृत्यु दर ट्वेंटी और आपका ये 32 है तो इसका आंसर ए हो एटी एट हाल ही में जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2020 के अनुसार पांच वर्ष से कम बच्चों की मृत्यु दर की दृष्टि से निम्नलिखित में से किन दो राज्यों में अधिकतम गिरावट दर्ज की गई है जो मोटेलिटी रेट अभी आपने बत्तीस देखी ना ऊपर मटालिटी फाइव इयर द मैक्म डिक्लाइन बीन रिकॉर्ड इन बिच ऑफ दॉ टू स्टेट्स एज पर द रिसेंटली रिलीज सैपल रजिस्ट्रेशन स्टिस्टिकल रिपोर्ट बताइए आंसर हो जाएगा बी उत्तर प्रदेश और कर्नाटका देखिए बात करें अगर तो सबसे कम डिक्लाइन है इसमें अगर इसका पांच पॉइंट यूपी और कर्नाटका में सिर्फ पांच प्वाइंट का डिक्लाइन है ठीक है 18, गलत विकल्प का करें फिर से लेकिन यूपी का एक इसका पन्ना बना लो आते रहेंगे ना तो एक छोटा-छोटा सा और ST, सबसे कम अनुसूचित जनजाति की संख्या वाला जिला बागपत सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशतता वाला जिला मतलब हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ एस सीतापुर आंसर बताओ मेरे को कौन से इनकरेक्ट पूछ रहे हैं तो इसका आंसर है सी देखो 2011 का सेंसस देखें तो हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन कहां पे है सोनभद्र में याद रखना लोएस्ट एसटी पॉपुलेशन कहां है बागपत में हाईएस्ट परसेंटेज एसटी का कहां पे है सोनभद्र में लोएस्ट परसेंटेज एसटी का कहां पे है बागपत में तो सोनभद्र बागपत सोनभद्र बागपत सेम याद करना सीतापुर है ही नहीं यहां पे भी सोनभद्र ही आएगा लोएस्ट पूछता तो फिर से बागपत आ जाता बागपत से रिलेटेड आंसर चुन के हमने क्वेश्चन बनाए हुए हैं तो सोनबद्र बागपत से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आएगा तो वो इसी इसी बेसिस पे ठीक है जी चलो जोश वोश हाय है चेहरे पे मुस्कान बनी हुई है नहीं बनी हुई है बीच बीच में चलो पॉज करके ये कमेंट लिखते राो मैडम मुस्कान बनी हुई है बीच बीच में तो मैं कमेंट करने के टाइमिंग से देख लूंगी कि वीडियो देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे ऐसा कर लें क्या चलिए गलत विकल्प का चयन करना है सेंसस 2011 उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या हाईएस्ट केड्यूल कास्ट अब एस सी वाली आ वा गई है सीतापुर सबसे कम हरदोई लोएस्ट प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौशाम्बी और प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम एस सी लोएस्ट बागपत बताओ एस टी और एस का आपका यहीं भी प्रिपेयर हो जाएगा पॉपुलेशन का तो आंसर इसका बी है देखो हाइएस्ट कास्ट एस पॉपुलेशन है सीतापुर में ठीक है बिल्कुल चीज लोएस्ट है बागपत में अब हाइएस्ट स्केड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन परसेंटेज के टर्म में कौशाम्बी में है और कम बागपत में अब इसमें कौशाम्बी एक अलग आ गया बाकी सेम है सीतापुर मतलब दो बागपत है एक सीतापुर कौशाम्बी है तो ऐसे याद कर लो ये बागपत है आपका ये ठीक है ये ठीक है सही विकल्प का चयन करें सेम उत्तर प्रदेश की जनगणना सेंसस यूपी सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन सबसे कम नगरीय जनसंख्या लोएस्ट प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या और प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम सेम वही पैटर्न वही चल रहा है ना क्वेश्चन का प्रिपरेटरी पैटर्न है ये तो पहला और दूसरा पूछ रहा था ही ना इसने सही पूछा था पहला और दूसरा ठीक है तो सबसे अधिक वाला याद करो गाजियाबाद सबसे कम याद करो श्रवस्ती दो याद हो गए इन्हें हटा दो अब अब हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ये भी गाजियाबाद ये भी ऐसे हो जाएगा आसानी से याद और ये भी आपका श्रवस्ती है तो श्रवस्ती गाजियाबाद श्रवस्ती गाजियाबाद जैसे ऊपर था ना सोनभद्र बागपत ऐसे गलत विकल्प का चयन करें सेंसस 2011 यूपी सबसे अधिक जनसंख्या हाईएस्ट पॉपुलेशन प्रयागराज सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हाईएस्ट गौतम बुद्ध नगर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व डेंसिटी गाजियाबाद सबसे अधिक लिंग अनुपात हाइएस्ट सेक्स रेशियो आजमगढ़ गलत पूछ रहा है डी है आंसर देखो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन प्रयागराज गौतम बुद्ध नगर भी याद रहेगा डेंसिटी भी गाजियाबाद है हाईएस्ट सेक्स रेशियो आपका जौनपुर का है उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है इनकरेक्ट पूछ रहे हैं न्यूनतम जनसंख्या लोएस्ट महोबा न्यूनतम दश के जनसंख्या वृद्धि दर कानपुर नगर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व डेंसिटी आपका ललितपुर और गौतम बुद्ध नगर कितने बढ़िया क्वेश्चन है सब यहीं पर प्रिपेयर हो जाएगा कोई टेंशन की बात ही नहीं है सारे ठीक है कोई गलत नहीं है प्रिपेयर करो इन्हें अच्छे से ठीक है इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन लोएस्ट महोबा हाइएस्ट कौन सा था प्रयागराज लोएस्ट डेकेटल कानपुर नगर हाइएस्ट किसकी थी घतम बुद्धनगर की ऐसे याद कर ले करो लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ललितपुर की सबसे अधिक गाजियाबाद की लोएस्ट सेक्स रेशियो गौतम बुद्धनगर का सबसे ज्यादा जौनपुर का ऐसे याद कर लो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण पांच के मैक्सिमम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फाइव के अनुसार निम्नलिखित में से किस संकेतक में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है मैक्सम इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बी रजिस्टर्ड इन विच ऑफ इंडिकेटर उप केंद्रिक स्वास्थ्य केंद्र प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र कम्युनिटी उप जिला अस्पताल सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इसका आंसर है बी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और इनका आपको ये याद रखना है कि इसमें आपकी कमी आई है ठीक है मैक्सिम इंक्रीज हुआ है सॉरी परसेंटेज में रूरल और अर्बन एरियाज में एस सब सेंटर्स प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ये होते हैं याद रखना तो बस इसका तो एक ही बस ये याद कर लो एज फैक्ट अब तो कितना क्या इतना मत जाओ नाइनटी फाइव सत्रहवीं उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका हिस्सा सर्वाधिक है ये बोल रहा है किन कौन से ये जो फॉरेस्ट है डेंस मीडियम डेंस ओपन श्रब्स किसका हाइस्ट है जोग्राफिकल एरिया ये पूछ रहा है ये क्या हो जाएगा आंसर इसका आंसर हो जाएगा सी खुले वनों का सारों में से सबसे ज्यादा कौन से खुले वन है ठीक है ये आपके करीब तीन पर, प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल पे हैं याद रखना 96 निम्नलिखित में, में से गलत विकल्प का चयन करें एक दिन करेक्ट ऑप्शन फसलें और उनकी किस्में दी हुई है वेराइटीज आपका चना पूसा 208 सरसों दुर्गामणि मस्टर्ड वीट सोनालिका कपास ओल्ड कॉटन नाइनटी सिक्स का आंसर बताओ डी गलत है देखो ग्राम का तो आपको पता है पूसा दो सो सोयाबीन का है अलंकार कोई पूछे तो मस्टर्ड का दुर्गामणि, मनी ग्राउंडनट है आपकी मूंगफली जूनागढ़ चंद्रा और कौशल वीट है आपकी सोनाल सोनालिका सुजाता जयराज मेज आपका मक्का है आपका हिमालय एक, एक, एक दो तीन वन टू कॉटन है शामली लोहित और सुविन और सुजाता और ओल्ड चिक से आपकी कॉफी याद रखना ठीक है 97 सेवन उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 उत्तर इक्कीस उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट उत्तर प्रदेश में मौजूद कुल वन आवरण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.15 प्रतिशत है टोटल फॉरेस्ट कर प्रेजेंट इन उत्तर प्रदेश सिक्स पॉइंट ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट राज्य के वन आवरण में 12.24 पॉइंट वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है मतलब इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर में उत्तर प्रदेश में मौजूद कुल वृक्ष आवरण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का तीन है टोटल ट्री कवर और राज्य के वृक्ष आवरण में उनतीस वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई इंक्रीज 29 है इंक्रीज ऑफ ट्वेंटी नाइन स्क्वायर किलोमीटर हैज बीन रिकॉर्डेड इन द ट्री कवर ऑफ द स्टेट आपको गलत बताना है डी गलत है राज्य में जो वृक्ष आवरण है ना उसमें सेवेंटी नाइन वर्ग किलोमीटर की जो है वो वृद्धि देखी गई है बाकी ये ठीक है ये ठीक है और ये ठीक है तीनों देख के जाना ये इसको सेवेंटी नाइन कर लो बस बाकी ठीक है ठीक है 98 भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में वन आवरण का क्षेत्रफल सबसे अधिक है ऑफ ऑफ द द फॉलोइंग कंट्री हैज हाईएस्ट एरिया फॉरेस्ट कवर एज पर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 बढ़िया क्वेश्चन है ओवरऑल क्वेश्चन पता होना चाहिए आपको क्या आंसर हो जाएगा ए ब्राजील ज्यादातर यही रहता है पता होना चाहिए आपको मतलब टॉप पे नहीं है लेकिन ब्राजील याद रखना सबसे ऊपर कौन है रशिया रशियन फेडरेशन फिर ब्राजील फिर कनाडा, फिर यूएसए फिर चाइना फिर आपका ऑस्ट्रेलिया वगैरह इंडिया की रैंक क्या है इंडिया की रैंक बता देती हूं। चलो, तो तो सब पूछी है है 99 भारतीय रिपोर्ट दो हजार इक्कीस के संबंध में गलत विकल्प का चयन करेंट दी इन करेट ऑप्शन इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 ट्वेंटी वनावरण में अधिकतम वृद्धि इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर आंध्र प्रदेश अधिकतम कमी प्रदेश देश में खुले वनों का उच्चतम आवरण दर्ज किया गया है Highest cover जो है, है। वो open forest का cover किया गया ये, कह रहा है ये। बताओ। गलत। None of these. Everything is correct. Maximum increase. सुन लीजिए वाले यहीं पे। आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश के बाद लगाइए आप तेलंगाना। तेलंगाना के बाद आप लगाएंगे उड़ीसा उड़ीसा के बाद आप लगाएंगे कर्नाटका बस इतने बहुत हैं झारखंड है डिक्रीज अरुणाचल प्रदेश फिर लगा लो मणिपुर फिर लगा लो नागालैंड फिर लगा लो आपका मिजोरम मेघालय डिक्रीज बोल रहा है ना ये तो इसको उल्टा लेके चलो एक मिनट इसको ऐसे कर दो तो टॉप वाला कितना ऐसे नागालैंड पे पहुंचते पहुंचते फिर मिजोरम और फिर मेघालय और ओपन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा फिर ओपन फॉरेस्ट के बाद कौन से हैं एमडीएफ मीडियम डेंस फॉरेस्ट और फिर कौन से हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट वीडीएफ याद रख लेना चलिए भाई दांत दिखा दो अब निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें सेलेक्ट दी इनकरेक्ट ऑप्शन सर्वाधिक लिंगानुपात का है सवाल यह केरल हाईएस्ट सेक्स रेशियो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात मिजोरम हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो सर्वाधिक साक्षरता दर केरल सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बताओ मुझे बी है देखो हाईएस्ट सेक्स रेशियो केरला का है कितना है वन जीरो एट फोर ये याद करना है फिगर हाइएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो ये मिजोरम का नहीं है ये अरुणाचल प्रदेश का है आंध्र प्रदेश नहीं अरुणाचल प्रदेश पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी है बिहार की कितनी है 1106 ऐसे याद कर लो और हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन कहाँ की है महाराष्ट्र की ठीक है याद रखना सेक्स रेशियो बता दिया मैंने और लिटरेसी रेट केरला की देख लो नाइनटी है हाँ एक ये रह गया था ठीक है जी तो खत्म हो गया टेस्ट आपका और उम्मीद तो मेरी है ही कि आप लोगों ने जरूर कमेंट किया होगा अच्छे से और अच्छे से पढ़ाई भी आप लोग कर रहे होंगे बिना घबराए बिना कुछ आलतू फालतू का चीज दिमाग में लाए पढ़ते रहो बढ़िया से ठीक है ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू और किसी भी पी के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे पेड ग्रुप के लिए ये नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं चलिए थैंक यू सो मच एंड अ वेरी नाइस टाइम